हेलो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन एंड दिस माइट बी द लास्ट और सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन सो एज़ यू कैन सी ऑन द बोर्ड द टॉपिक इज कन्वर्जन ओके कन्वर्ट करना है क्या कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ओके विच फॉर्म वी नीड टू कन्वर्ट वी नीड टू कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन इन टू मिक्स फ्रैक्शन ओके इन द प्रिवियस वीडियो वी स्टडीड मिक्स फ्रैक्शन को इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करना है फॉर एग्जाम्पल टू एंड हाफ टू एंड वन बाय टू ओके सो रिमेंबर आई टोल्ड डू यियोर मल्टीप्लीकेशन यडिशन एंड गो फ्रॉम ह्योर टू योर मतलब टू एंड टू वी विल मल्टीप्लाय एंड टू द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी विल एट द न्यूमरेटर दैट इज वन ओके सो टू टू फोर फोर प्लस न्यूमरेटर वन अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज

फिर कैसे करना है ठीक है सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू कन्वर्ट इम प्रॉपर फ्रैक्शन इन टू मिक्स फ्रैक्शन सो आई होप यू ऑल रिमेंबर वॉट आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन बट लेट जस्ट टेक अ क्विक रिविजन सो इमप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं वेन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज स्मॉलर एंड न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज बिगर डिनोमिनेटर स्मॉल न्यूमरेटर बिग ये क्या कौन से फ्रैक्शन होते हैं दिस फ्रैक्शन आर कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ओके इमप्रॉपर दे आर नॉट प्रॉपर टू में से टू चॉकलेट्स वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन सिक्स पीपल मिस विल बी क्रिएटेड राइट सो दिस फ्रैक्शन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन आर कॉल्ड एज इमप्रॉपर फ्रैक्शंस एंड वट आर मिक्स फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन जैसे अभी ये एग्जाम्पल लिया था टू एंड हाफ सो इन मिक्स फ्रैक्शन देयर विल बी टू थिंग्स मिक्सड दैट इज होल नंबर एंड फ्रैक्शन टू होल क्वांटिटी है एंड देन पार्ट है दैट इज़ वन बाई टू सो ये हो गया फ्रैक्शन दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन सो दैट वॉज द क्विक रिविजन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन ठीक है नाउ लेट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इन टू मिक्स फ्रैक्शन सो क्या बोला है हमने कि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा होगा ओके सो लेट्स टेक डिनोमिनेटर चलो थ्री लेते हैं डिनोमिनेटर छोट छोटा होगा एंड न्यूमरेटर बड़ा होगा लेट्स टेक सिक्सटीन ओके सो नाउ फ्रैक्शन इज सिक्सटीन अपॉइंट थ्री दिस इज गिवन एज इमप्रॉपर फ्रैक्शन जैसे मैंने बोला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ओके एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट नाउ इंटू मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे सी वी नो द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है दिस न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाई दिस डिनमिनेटर राइट अपन बाई जो हम बोलते हैं सो so, क्या होता है न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो होता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं ठीक है सिक्सटीन को डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट में दैट दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन सो नाउ डू द सेम थिंग न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई द डिनोमिनेटर सिक्सटीन डिवाइडेड बाई थ्री एंड वी कैन डू दिस डिविजन राइट वी हैव स्टडीड इट सो 3 3 के टेबल में 16 hai so which is the number which is less than 16 so it is 15 5 is a 15 okay remainder 1 so now if you will check this out this will be your r that is remainder this will be your quotient and always the denominator as it is divisor डिनोमिनेटर जो होता है वो एज इट इज़ होता है नाउ फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे इज वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्यू एंड आर अपॉन डी क्या है फॉर्म हमारा क्यू एंड आर अपॉन डी क्यू व्हाट इज क्यू नो दैट व्हाट इज क्यू क्वेश्चन फाइव एंड तो हम फ्रैक्शन में एंड बोलते हैं इन मिक्स फ्रैक्शन वी आर स्पीकिंग द एंड बट वी आर नॉट राइटिंग इट राइट सो देर इज नो ईट टू राइट इट बट ये याद रखो हमेशा क्यू एंड आर अपॉन डी ठीक है सो क्यू देन आर इज वन एंड डी इज थ्री द डिनिनेटर विल ऑलवेज बी एज इट इज इफ यू विल सी ठीक है दिस इज यो मिक्स फ्रैक्शन ओ वो इट अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट इट इन How to convert it then? Just divide and write it in the form of Q and R upon D. Let's take one more example. Few more examples we'll take. Chalo. 10 upon numerator, what did I say? Small. 10 upon 7. So 10 is divided by 7. 10 is not there in seven table, but 7 is there. 7 ones are 7, smaller number than 10. सो टेन माइनस सेवन इज़ थ्री डेसिमल डिविजन नहीं करना है ठीक है जस्ट स्टॉप इट योर ओके सो क्यू आर एंड ये डी एज बी सेम ओके सो इट विल बी क्यू एंड आर अपॉन डी सो विच विल बी इक्वल टू वन एंड आर इज थ्री एंड डी इज सेवन सो वन एंड थ्री अपॉन सेवन दैट्स इट वो वो Now you might be thinking teacher has taken all the easy easy examples. Let's take one more. 110 upon um what say? 8. Let's take 8. Okay, let's see if it is divisible or not. Okay. So 110 denominator is smaller, of course. So 8, 11, 11 is not there in 8 table, but 8 is there. So 8 ones are 8. 11 minus 8 is equals to 3. Now we'll take this 0 downside. 30. Is 30 there in eight table? Check. 8 1's are 8. 8 2's are 16. 8 3's are 24. 8 4's are 32. So no, 30 is not there. 30 is a number. Kaun sa hai? Which is the smaller number than 30? 24. 8 3's are 24. And remainder is 6 now is there 6 in 8 table no so let's just stop here this will be your remainder this will be your quotient and as usual denominator comma and write it in the form of q and r upon d so it will be q that is 13 r that is 6 and d that is 8 so the answer is 13 and 6 by 8 over Easy, got it. How to convert improper fraction into mixed fraction? Just the thing you need to remember is this q and r upon d, or you can say it as qrd. 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 So, for remembering, this is easy qrd. Okay, so r i go upper and d as usual in the denominator, and this quotient will be your whole number of the mixed fraction. Okay, now I'll give you some questions to solve five questions i'll give you to solve just solve it by the same method and send me the answer in comment section let's see how many of you can solve it right okay 1122 okay upon 5 1122 upon 5 then 66 upon Eight okay now ninety eight upon three six hundred and twenty five upon ten okay two thousand one hundred and thirty five okay two thousand one hundred and thirty five upon um, let's take six okay so these are your new questions

रिमाइंडर यहाँ पे लिख दो एंड डी फाइव का डी फाइव ही आएगा इसका एट आएगा इसका थ्री आएगा सो एज इट इज डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी एज इट इज एंड ओवर वो यूल गेट द मिक्स फ्रैक्शन ओके इफ़ यू विल वॉच द वीडियो फॉर श्योर प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन द आंसर्स एंड रिप्लाई यू ऑफ कोर्स ओके आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन इन टू मिक्स फ्रैक्शन ओके इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द Links are given of all the videos of the fraction. So, if you are having any doubt or if you want to watch it again, so please watch it and like and subscribe the channel if you like the content. Thank you. Bye bye.